अस्सलाम वालेकुम, जैसे मुझसे वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेल लैटिट्यूड E5520 का सिमो सेल किस तरह से चेंज होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी लैपटॉप जब आप ओपन करते हैं तो उसके ना डेट और टाइम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होता है, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर टाइम और डेट जो है वो एक्यूरेट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका सिमो सेल जो है वो वीक है। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लैपटॉप को कंप्लीट हमें खोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी लैपटॉप्स जो हैं वो हमें पूरे खोलना पड़ता है, क्योंकि सिमो सेल जो है वो मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है। और इसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जो मैं आपसे डिस्क्लोज़ करूँगा। तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी लैपटॉप खोलने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो है वो बैटरी डी अटैच करनी पड़ती, क्योंकि इसके अंदर करंट जो है वो मदरबोर्ड में सर्कुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से आपका कहीं स्क्रू ड्राइवर भी कहीं आपसे टच हो सकता है या कोई स्क्रू भी आपसे निकल के मदरबोर्ड में शॉर्ट हो सकता है। तो कोई भी लैपटॉप खोलने से पहले आपको सबसे पहले उसकी बैटरी निकालनी है ताकि उसका पावर कंजम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है डेल लैटिट्यूड E5520 के अंदर ये चार स्क्रू हैं इसके। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। ये इसका बैक कवर कहलाता है। बैक कवर जो है वो डी अटैच कर दिया है मैंने। डी अटैच करने के बाद यहाँ पे देखें, पीछे आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। ये रैम की जगह है, ये प्रोसेसर है, ये हार्ड डिस्क है, ये वाईफाई है, ये वाईवैन कार्ड है जो सिम चलाता है, ये सीडी रोम है इसका। लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि सिम और सेल हम किस तरह चेंज करें बगैर लैपटॉप खोले। तो इसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगा। ये इस वाला साइड जो आप देख रहे हैं, ये इसका लेफ़्ट साइड। अब मैं इसको खोलता हूँ। इसके भी फोर स्क्रूज़ हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। एक स्क्रू हो गया, 2, 3 और ये 4। टोटल 4 स्क्रू जो हैं वो इसके बैक कवर के थे और 4 स्क्रू जो हैं वो इसके सीक्रेट कंपार्टमेंट के। ये सीक्रेट कंपार्टमेंट जब मैंने हटाया तो ये आपका सिमो सेल यहाँ पे छुपा बैठा हुआ है। तो ये वाला जो सिमो सेल है ये बेसिकली वीक हो चुका है और जिसकी वजह से डेट और टाइम जो है वो प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे और इसको सिमो सेल को हम लोग ये चेंज करेंगे। ये सिमो सेल जो है बेसिकली नए तो आते नहीं हैं, तो इसको जो है हम लोग जो नए सेल जो मिलते हैं उससे हम रिप्लेस करेंगे इसको। तो जैसे नॉर्मल सेल्स आते हैं किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जैसे ये MWC है या कोई भी आप सेल ले सकते हैं जो 2032 कहलाता है। ये आप देख लें एक नज़र, इसके अंदर CR2 2032 2032 लगता है इसके अंदर। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। किसी भी तरह आप इसको खोल सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल से खुलता है ये, लेकिन खुल जाता है। ये ब्रांड न्यू सेल जो है ये लगा हुआ होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये वाला सेल हम लोग इसको मज़ीद खोलेंगे और इसके अंदर मैं ये वाला सेल जो है वो इसके अंदर प्रेस करके लगा दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला सेल जो है वो ब्रांड न्यू नहीं आता है, तो इसकी यही जुगाड़ है कि इसको हम यहाँ से खोलेंगे, इसका हम कवर उतारेंगे इसका। क्योंकि अगर आप घर पे बैठे ये काम कर रहे हैं और आपको जो है वो सिमो सेल आपका लैपटॉप का वीक हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप ये वाला सेल ढूंढने के लिए मार्केट जाएंगे, तो ये वाला सेल बिल्ट इन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसके लिए जो मैंने आपको सेल बताया, ये जो मैंने सेल अभी खोला है ब्रांड न्यू, यही आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सेल इस कवर में से उतारने के बाद इस तरह से शो होता है। ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्लस का निशान है और इस पर भी लिखा हुआ है 2032 जो इसका बिल्ट इन सेल है। अब बिल्ट इन सेल को किस तरह से निकालेंगे? इसके अंदर 2 वायर्स दिए हुए हैं तो ये काफ़ी जो है वो मुश्किल से निकलता है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे प्लास। प्लास से बहुत ईजिली ये निकल जाएगा क्योंकि ये 2 तरफ से रिबिट हुआ हुआ होता है। ये इसका एक तरफ का वायर निकल गया है और ये इसका दूसरी तरफ का वायर निकल गया। अच्छा, मैं एक आपको बारीकी भी बताना चाहता हूँ कि जब आप इसको निकालेंगे तो हो सकता है कि ये वाला जो इसकी छोटी सी प्लेट इसके साथ अटैच होती है ये निकल जाए, जैसे ये मुझसे निकल गई है। तो इसमें कोई परेशान होने की वाली बात नहीं है। इसके साथ अगर आपके पास सोल्डिंग आ रहे हैं तो आप सोल्ड इसके साथ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई इतना इशू की बात नहीं है। ये बारीकी है बेसिकली, ये निकल गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये मुझसे निकल गया है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने रेड जो है, ये रेड बेसिकली आपको पता है कि ये जो है प्लस का होता है और ये वाला जो है ये प्लस है। तो आपने इस तरफ से यहाँ रखना है इसको,
और आपके पास जो है वो पेपर टेप है, पेपर टेप से आप एक तरफ से इसको लगा दें, क्योंकि अमूमन जो है वो घरों के अंदर सोल्डिंग आयरन नहीं होते और ये वाले सेल जो मैंने खोल के लगाए हैं ये भी नहीं होते। तो मैं आपको फुल जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ कि आप घर बैठे किस तरह से सिमोस सेल चेंज कर सकते हैं। ये वाला ब्लैक वायर जो है, ये ब्लैक वायर जो है आपने इस तरफ यहाँ रखना है, रेड वायर मैं लगा चुका हूँ नीचे, और ये इस प्लेट के साथ यहाँ पर अटैच कर दूंगा। ये है ब्लैक वायर जो कि माइनस का वायर है, ये इस तरह से करके, और ये आपका सिमो सेल रेडी है। सिर्फ इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी फिनिशिंग का फ़र्क है कि ये कंपनी की तरफ से जो है एक पैकेट के अंदर आता है, और ये वाला जो है हमने पेपर टेप के थ्रू बनाया है। तो कोई इशू की बात नहीं है, वैसे भी लैपटॉप का ये सेल जो है वो अंदर ही लगा हुआ होता, कौन सा इसको कोई खोल के देखेगा और कौन सा कोई प्रेजेंटेशन की कोई बात होगी इसके अंदर। तो खैर, ये वाला आपने सिमो सेल चेंज कर दिया और आपने इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर इसको प्रेस किया, इसके कनेक्टर को, और ये बेसिकली ईजली ये बैठ गया। ठीक है, अब हम लैपटॉप पैक करेंगे। मतलब टोटल आपका जो ये काम है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक का है, अगर आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं, क्योंकि मेरी तो शॉप है ज़ाहिर है, ये मेरा काम तो मेरे लिए तो बिल्कुल फ्रिक्वेंट है, मैंने इतना फटाफट कर लिया। और अगर आप लोग ये काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा, सबसे पहले बैटरी निकाल दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरी शॉप जो है वो टेक्नो सिटी के अंदर है, मैं इसके बारे में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो वहाँ से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये जो सीक्रेट कंपार्टमेंट था इसके मैंने 4 स्क्रूज़ लगा दिए हैं, उसके बाद जो है ये बैक कवर है इसके भी 4 स्क्रूज़ हैं। और ये बैटरी इसके अंदर प्लेस करके आप लैपटॉप को ऑन कर लें, और ये आपको स्टार्टिंग के अंदर इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन देगा, क्योंकि डेट और टाइम जो है सेट नहीं है। तो F1 दबा के हम जो है विंडोज़ पे ले जाएंगे, विंडोज़ जब स्टार्ट हो जाएगी तो विंडोज़ पे हम लोग टाइम और डेट सेट कर लेंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये लैपटॉप जो है वो स्टार्टअप हो गया है, और डेट और टाइम जो है वो इनिशियल जो दिखाता है वो 2013 का ये एयर के हिसाब से ये बना हुआ है, तो फिलहाल जो है वो 2013 दिखा रहा है ये, और टाइम और डेट सब कुछ गलत दिखा रहा है। तो इसका डेट और टाइम मैं सेट कर लेता हूँ, ये सेव करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक दफ़ा लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है, और डेट और टाइम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है कि 3:01 इसने रीस्टार्ट में लगाया है, और ये लैपटॉप जो है कंप्लीट ओके हो गया। तो यार बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर तुम लोग लैपटॉप से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और मज़ीद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ मुझसे साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। For you, come